आरपी दवारती कार्यकारी अध्यक्ष इनलो इंडियन नेशनल यूनाइटेड लीग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी एक डेढ़ साल पहले इस संस्था को का संस्थापन हुआ है। दिल्ली में अप्रोक्सीमेटली 100 ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर के इस संस्था की स्थापना करी है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य ये है कि बहुजन समाज को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है। इट मीन्स सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो इस संगठन के साथ मिल करके और कदम से कदम मिला करके भारत देश में मानवता स्थापित करने की दिशा में कार्य कर सकते हैं। तो अभी आज का जो हमारा मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि आप सभी लोगों को पता है, पूरे देश को पता है, यहां तक कि पूरे विश्व को पता है कि भारत देश के अंदर बहुत ही अहम मुद्दा है अयोध्या या साकेत किसकी है। काफी दिनों से इसकी जो है केस सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और अभी मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि इसको शॉर्टली हम फिनिश करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, देश के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, शॉर्टली फिनिश कर दिया जाए, हम इस बात की तारीफ करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जैसा कि मानना है कि देश का सर्वोच्च न्यायालय है और सर्वोच्च न्यायालय अगर पक्षपात करता है तो ये हमारे देश का जो लोकतंत्र है, हमारे देश का जो संविधान है, उसके ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। हमारी याचिका सुप्रीम कोर्ट में विनीत भाई के माध्यम से ये लगभग डेढ़ साल पहले गई हुई थी। हमारी याचिका को कंसीडर किया गया, सिविल सूट में टैग किया गया और उसके बाद 40 दिनों तक सुप्रीम कोर्ट ने आज कल करते रहे और हिंदू मुस्लिम के बीच में पूरे के पूरे मामले को उलझा करके रखा। बीच में उन्होंने ऐसा तर्क दिया कि अयोध्या में राम पैदा हुए थे, इसका कोई प्रमाण हिंदू दे, या मुस्लिमों का कोई प्रमाण है, उनका वो जमीन है या उनकी प्रॉपर्टी है तो उसका कोई सबूत दे। लेकिन जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ना हिंदू ने सिद्ध कर पाया है कि राम का एग्जिस्टेंस वहां अयोध्या में है और ना तो मुस्लिम ने सिद्ध कर पाया है कि उनका वहां पे कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जिसकी वजह से वो बता सके या उसको प्रूव कर सके कि वो हमारा है। और वहीं पे सबसे अहम मुद्दा, आपको पता है कि प्राचीन काल में भारत बुद्धमय था और भारत की जीडीपी आज के टाइम की जो जीडीपी है उससे कम से कम 50-60% ज्यादा थी। तो उस समय पूरा भारत जब बुद्धमय था, पूरे देश में मानवता का डंका बजता था, ये भारत के लोग नहीं जानते, पूरा विश्व जानता है। तो ASI की जो रिपोर्ट है 2002 और 3 की, वो रिपोर्ट बताती है कि अयोध्या एक बौद्ध स्थल है, वहां पर तमाम प्रकार के साक्ष्य और सबूत मिले हुए हैं। 600 पन्ने की फाइल लेकर के विनीत भाई मौर्य के माध्यम से हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। पूरे समाज ने लग करके तन मन धन 10-10 रुपए इकट्ठा करके इस केस को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, गरीब लोगों की जो 10 रुपए होते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है उसकी। कहते हैं कि जो है न्याय मांगने से और छीनने से नहीं मिलता है। आज देश के अंदर ऐसी स्थिति हो गई है कि न्याय बिकने लगा है, इट मीन्स कोर्ट बिकने लगा है, ऐसा प्रोसीजर हमें नजर आ रहा है। तो सर वो जो याचिका हमारी थी वो लास्ट दिन सुप्रीम कोर्ट ने 45 मिनट का टाइम दिया था, लेकिन वो 5 बजे का टाइम पीरियड था। 5 बजे से पहले 4 बजे ही कोर्ट बंद कर दिया गया और कोर्ट बंद कर देने के बाद ये हुआ कि आपकी याचिका को डीटैग कर दिया गया, अब आगे कोई सुनवाई नहीं होगी। मतलब एक आदेश, एक तानाशाही जिसको कहते हैं, मीन्स याचिका अगर सुप्रीम कोर्ट में गई है तो हमारा मानना है सर कि उस याचिका का कंप्लीट स्पष्टीकरण आप दीजिए, हमारे पास प्रूफ है। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है योर याचिका जो पेटिशन इज डिटैग्ड फ्रॉम द सिविल सूट ऑफ समथिंग नंबर, जो भी फाइल थी वहां पे चल रही थी तो उन्होंने डिटैग कर दिया। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमें ये तो बताओ क्यों डिटैग कर रहे हैं आप भाई, हम कौन है, हम गलत हैं इस भारत देश में, आतंकवादी हैं या माओवादी हैं या एक अच्छे जेंटलमैन है, इसका तो कारण आपको देना पड़ेगा ना। कैसे तो हमारी जो ये आने वाली 10 तारीख को पूरे बहुजन समाज से, पूरा बहुजन समाज बहुत ही आक्रोशित है क्योंकि लगातार हमारे साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है और आज भी वो हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह सिद्ध कर दिया हमारी याचिका को ना सुन करके।
पूरा का पूरा बहुजन समाज बड़े स्केल पर दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हो रहा है और बहुत ही हम बड़े स्केल पर देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन एक दिवसीय अभी कर रहे हैं। आगे हमारी अपील यही है सुप्रीम कोर्ट से कि हमारी याचिका को सबसे पहले कंसीडर किया जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें वहां पे बुद्ध मंदिर बनाना है या राष्ट्र की धरोहर घोषित कर दी, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट उसके लिए फ्री है, जज साहब उसके लिए फ्री हैं। हमारा मानना है सिर्फ और सिर्फ याचिका को ओपन किया जाए और उसका स्पष्टीकरण पूरे देश के सामने रखा जाए कि वास्तव में सत्यता क्या है, और सत्यता जब सामने आ जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट खुद निर्णय करेगा कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन हमें इस समय तमाम देश के अंदर सोशल मीडिया के माध्यम से और प्रकार से ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि डिसिप्लिन में रहिए। भाई डिसिप्लिन का मतलब तो तब होता है जब हमारे साथ न्याय होता है। हम मान सम्मान तो कर रहे हैं, हम डिसिप्लिन में भी रहना चाहते हैं, लेकिन हमारी बात तो पहले ओपन करिए। समाज के बीच में हमेशा एक पक्षीय अगर बात होती है तो भारत देश के धर्म निरपेक्ष रहने का क्या मतलब है? यहां तो तानाशाही चल रही है, सिर्फ एक धर्म को लेकर के चर्चा है चारों तरफ, यहां से विदेशों तक का डंका बज रहा है। मोदी जी विदेशों में जा रहे हैं तो कह रहे हैं बुद्ध की धरती से आ रहे हैं, वहां तो जैसे फ्लाइट से नीचे उतरते हैं जैसे लग रहा है कि माफी मांग रहे हैं। वो तमाम फेस्टिवल आते हैं, नवरात्रि शिवरात्रि ये सब चीजों को लेकर के कह रहे हैं सभी को बधाई बधाई बधाई, ये देते हुए फ्लाइट से वो व्यक्ति उतरता है। तो हम क्या समझे कि हमारे देश के अंदर क्या चल रहा है? हमारे देश के अंदर भारतीय संविधान का कोई पालन नहीं, हमें कोई विश्वास नहीं है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है, लेकिन विश्वास क्या करूं आप मुझे बताइए। हमारे साथ गलत हो रहा है और आप कह रहे हैं विश्वास करिए, हमारी याचिका को सुना नहीं गया और आप कह रहे हैं विश्वास करिए। मैं क्यों विश्वास करूं? क्या मैं इस देश का गुलाम आदमी हूं या गुलाम नागरिक हूं यहां का? ये चीज पूरा बहुजन समाज बहुत ही आक्रोशित है, आप ये समझ जाइए। पूरे बहुजन समाज की जो पावर है शक्ति है वो जंतर मंतर पे आपको 10 नवंबर को दिख जाएगी। और हम सभी बहुजन समाज के सभी लीडर से सभी सामाजिक संगठनों से मैं अपील करूंगा कि ये जो आंदोलन हो रहा है देशव्यापी, ये आंदोलन सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, ये पूरे के पूरे समाज का है। और स्पष्ट ये भी करना चाहूंगा कि हमारे देश में जितने भी नेता है जितना भी नेतृत्व है सबकी दिशाएं अलग अलग हैं, उन सभी को एक दिशा में आना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। जैसा कि 2 अप्रैल को जो पूरे भारत बंद का आह्वान था, ऐसा ही प्रोटेस्ट होने जा रहा है। और आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट से मेरा निवेदन है कुछ भी निर्णय देने से पहले हमारी याचिका को कंसीडर किया जाए। अगर हमारी याचिका को कंसीडर नहीं किया जाता या सुना नहीं जाता है और देश और संविधान के साथ न्याय नहीं होता है तो हम लोग बड़े स्केल पर आंदोलन करेंगे और उसके लिए कुछ भी करेंगे। यहां नहीं विदेशों में भी हम इस बात को लेकर के जाएंगे कि देश के अंदर चल क्या रहा है। एक सामान्य से क्वेश्चन है। हाँ जी सर। कि आप कह रहे हैं कि आज आप प्रदर्शन करने के लिए आए हैं सड़कों पर आए हैं, ये जो मामला है राम मंदिर वाले और बाबरी मस्जिद वाले पिछले 25 साल से ज्यादा समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप लोग पहले कहाँ थे? आज जब 17 सर देखिए बात आपकी बिल्कुल सही है, आई एग्री अबाउट दैट। हम कहाँ थे? अब जैसे क्या हुआ, 12वीं तक जब हमने पढ़ा, 12वीं तक हमें पता ही नहीं था कि ये बुद्ध क्या होते हैं। 12वीं तक हमें नहीं पता, हमारे सिलेबस में ही कहीं नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो जब 12वीं तक यही नहीं बताया जा रहा है, इस देश में जो सबसे बड़े गुरु हैं जिन्होंने बुद्ध को भी अपना ज्ञान दिया उनके बारे में एक चैप्टर भी नहीं है, तो हमें पता ही नहीं है। अब धीरे धीरे पढ़ करके जब हम लोग जागरूक हो रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो हम करेंगे। जब जागो तभी सवेरा है। अब 25 साल का यह मैटर नहीं होता कि हम 25 साल पहले क्यों नहीं आए, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन। क्वेश्चन ये होना चाहिए सही क्या है और गलत क्या है। भाई हो सकता है 25 साल पहले मैं बहुत गरीब आदमी रहा हूं, एक रुपया भी मेरे पास ना रहा, अब 10-10 रुपए समाज हमारे को दे रहा है इकट्ठा करने में सक्षम हो पाए, तो अब हम याचिका को फाइल कर रहे हैं। लेकिन ये एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है ना, ये तो पूरे समाज की लड़ाई है। सर पूरे समाज ही लड़ रहा है, पूरे विनीत भाई ने केस किया है, लेकिन पूरा समाज लग करके 10-10 रुपए, यहां तक कि मैं सुबह शाम दिन रात लग करके 10-10 रुपए इकट्ठा किया हूं। तो ये विनीत मौर्य जी की लड़ाई नहीं है अकेले, ये पूरे समाज की लड़ाई है। और समाज अगर नहीं लड़ेगा तो विनीत मौर्य की क्षमता नहीं, अकेले वो जीत लेंगे केस को, क्योंकि आज इस देश के अंदर न्याय है ही नहीं। देश के अंदर न्याय नहीं है जब तक आपका जबरदस्त प्रोटेक्शन मतलब प्रोटेस्ट नहीं दिखता है। आप न्याय की लड़ाई नहीं लड़ते हैं तो आपको न्याय मिलने वाला नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इनकार किया है, अगर आप दोबारा भी रिकंसीडर नहीं करती है, फैसला आ जाता है, तो आगे आप लोग की क्या रणनीति है? सर आगे क्या रणनीति है इस चीज को हम विदेश में जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, रिलीजियस जो कोर्ट है,
वहां पर हम इस मुद्दे को उठाएंगे, उस मुद्दे को लेकर के जाएंगे। हमारी बात जो है राजरत्न अम्बेडकर साहब से भी हो गई है, उन्होंने कहा कि सर चलिए हम इस चीज को करवाएंगे आपके साथ, आप प्रूफ को लेकर के आइए। हमें क्या करना है, एएसआई की रिपोर्ट है 600 पन्ने वही ले जाके वहां पे रख देंगे। देखिए साहब ये क्या हो रहा है। अब तक आपके जो आंदोलन देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन जी, इसमें अब तक कितने संगठनों का समर्थन आपको मिल चुका है? सर देखिए अगर काउंट किया जाए तो 150 प्लस संगठन है, ठीक है ना। लेकिन ये है कि इतने फोन कॉल्स आ रहे हैं, दिन भर हम लोग जो है फोन उठाने में और उनको सेटिस्फाई करने में अपना समय सारा जाया कर रहे हैं, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। अभी मैं मोबाइल फोन अपना दिखाऊं आपको तो लगातार इतने मिस कॉल हैं कि कुछ ही मत उठा नहीं पा रहे हैं हम। तो देश और समाज चाहता है क्रांति, इस देश के अंदर मानवता स्थापित करनी है, तो स्थापित करने के लिए जो है समाज आगे आ रहा है और हम लोग पढ़। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।